चरखीदादरी में सीजीएम के घर के बाहर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सीजीएम कुणाल गर्ग की पत्नी ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। शर्म नहीं है एक बच्ची की माँ के साथ आएगी। ये हाई वोल्टेज ड्रामा न्याय के मंदिर कहे जाने वाले देवता के दर पर हुआ है। चरखी दादरी में सीजेएम कुणाल की पत्नी ने घंटों सड़क पर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेएम कुणाल ने तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी के साथ घर पर ही रह रहे हैं। घर के अंदर घुसने को लेकर जमकर बवाल होता रहा। लड़की के रिश्तेदारों ने गेट पर खड़े होकर जज को खूब खरी खोटी सुनाई। हंगामा होते देख जज साहब ने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस ने लड़की और रिश्तेदारों को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। मौके पर मौजूद डीएसपी शमशेर दहिया ने समझाने की भी बहुत कोशिश की। फैमिली लाइफ अलग होती है, नहीं नहीं, फैमिली लाइफ अलग होती है, तो उसमें आप जो ग्रीवेंसेस हैं आप अपनी टिकट में दे दीजिए। सर मैं हाई कोर्ट तक दे चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है सर। उसके बाद आप बताइए। देखो ये पढ़ो ना सर, इसमें लिखा हुआ कोई बात नहीं, आप जब बात कर रहे हैं तो ठीक है। चलो, शिखा ने 4 साल की बच्ची के साथ सुसाइड की धमकी दी। उन्होंने कहा कि 4 साल से केस चल रहा है, हाईकोर्ट में भी अर्जी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक सीजेएम कुणाल की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सड़क पर पहुंची घर की लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। R9 TV के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।